प्रिय दोस्तों, जायसी का जन्म सन 1500 के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। यह भी बात सूचित करता है कि वे जायस नगर के निवासी थे। उनके पिता मलिक राजे अशरफ, बताया जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। स्वयं जायसी भी खेती का काम करके अपनी जीविका का निर्वहन करते थे। मलिक जी के पूर्वज निगलाम देश ईरान से आए हुए थे और वहीं से इनके पूर्वजों की पदवी मलिक मिली थी। जायसी जी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। जायसी के जन्म के विषय में बहुत मतभेद हैं। जायस ही उनका जन्म स्थान कुछ लोग मानते हैं और कहीं से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं ही कहा है, जायस नगर मोर्य स्थानु, नगर का नवा आदि उद्यानु, तह देवस दस पहुंचे आयुं, या बैराग बहुत सुख पायुं। जायसी के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनकी माता का भी देहांत बचपन में हो गया। अनाथ बच्चा कुछ दिनों तक अपने नाना शेख अलहदाद के पास मनिकापुर रहा, लेकिन जल्दी ही निर्मम विधाता ने उनका सारा सहारा छीन लिया। बालक एकदम निराशित हो गया। ऐसी अवस्था में जीवन के प्रति उनके मन में एक गहरी विरक्ति भर गई। वह साधुओं के संग रहने लगा और आत्मा परमात्मा के संबंध में गहरा चिंतन करने लगा। वयस्क होने पर जायसी का विवाह कर दिया गया। वे पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, लेकिन ईश्वर भक्त में कोई कमी नहीं किए। जायसी का यह नियम था, जब वो खेत पर होते थे तो वे अपना खाना वहीं मंगवा लेते थे और अकेले खाना नहीं खाते थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार उन्हें कोढ़ी के साथ भोजन किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई थी कि जात वर्ण ऊंच नीच के सारे भेद मिट गए थे। कहा जाता है कि जायसी के 7 पुत्र थे। एक दिन एक कवि ने पोस्तीनामा शीर्षक पद्य की रचना की और उसने सुनाने के लिए अपने गुरु मुहियुद्दीन के पास पहुंचे। उनके गुरुदेव वैद्यों के आदेश एवं अनुरोध पर रोज पस्त अर्थात अफीम का पानी पीते थे। जायसी की व्यंगपूर्ण रचना सुनकर गुरु क्रोधित होकर बोले, अरे नुपुते, तुझे ज्ञान नहीं कि तेरा गुरु निपोस्ती है। कहा जाता है कि इधर गुरु के मुंह से यह वाक निकला और उधर एक व्यक्ति ने जायसी को सूचना दी कि उनके 7 पुत्र छत से गिर जाने के कारण उनके नीचे दबकर मर गए। वे निपोते हो गए और निपोस्ती बिना पोत्र वाले बन गए। इसके बाद जायसी पूर्णतः वैराग जीवन अपना लिए और फकीर बन गए। जायसी के कुरूप के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि वे कुरूप और काले थे। उनकी एक आंख फूटी हुई थी। एक मान्यता के अनुसार जन्म से ही ऐसे थे, किंतु अधिकतर लोग मानते हैं कि शीतला रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था। अखरावट इंच की रचना है। अखरावट जायसी की एक सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है। इस काव्य में कुल 58 दोहे, 54 दोहे और 54 सोरठे और 317 अर्धलियां हैं। इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा छंदों का प्रयोग हुआ है। एक दोहा पुनः एक सोरठा और पुनः 6-7 अर्धलियों के क्रम का निर्वाह अंत तक किया गया है। अखरावट में मूलतः चेला गुरु का संबंध दिया गया। इनके संबंध में एक कथा सुनने को मिलती है कि जायसी एक बार शेर शाह के दरबार में गए तो वह इन्हें देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने शांत भाव से पूछा और कहा, मोहिका हंसस की को हरही, यानी तूने मुझे हंसा कि मुझे बनाने वाले उस कुम्हार
ईश्वर पर हंसा। तब शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार वे शेरशाह के दरबार में नहीं गए थे, बल्कि शेरशाह ही उनके नाम सुनकर उनके पास आ गया था। स्थानीय मान्यता के अनुसार जायसी के पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मारे गए थे, जिसके फलस्वरूप जायसी संसार से विरक्त हो गए और कुछ दिनों में घर छोड़कर यहाँ फकीर की भांति इधर उधर घूमने लगे। अमेठी के राजा राम सिंह ने उन्हें बहुत मानते थे। अपने अंतिम दिनों में राय जायसी अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। लोग बताते हैं कि अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने अमेठी के राजा से कह दिया कि मैं किसी के शिकारी के तीर से ही मरूंगा, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों को शिकार करने से मना कर दिया। जिस जंगल में जायसी जाते थे उसमें एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई पड़ा। उसके डर से उसने गोली चला दी। तब पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े हुए थे। जायसी कभी कभी योग बल से इस प्रकार रूप धारण कर लेते थे कि काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, मलिक मोहम्मद का मृत्युकाल रजब 949 हिजरी बताया है। इसके अनुसार उनका 1452 1542 ईस्वी में सन कम अवस्था में सिद्ध होता है, किंतु जायसी ने 49 देहावसान पद्मावत के उपसंहार में वृद्धावस्था का जो वर्णन किया है वह स्वतः प्रतीत होता है। जायसी की कब्र अनुभूत अमेठी के राजा वर्तमान महल से लगभग 3/4 मील के लगभग है। यह वर्तमान किला जायसी के मरने के बाद बहुत बाद बना। अमेठी की यह धारणा प्रचलित है कि राजाओं का पुराना किला जायसी के कब्र की 1.5 कोस की दूरी पर ही था। अतः अमेठी के राजा को जायसी की दुआ से पुत्र हुआ और उन्होंने अपने किले के समीप ही उनकी कब्र बनवाई और निराधार है। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि अमेठी नरेश इनके संरक्षक थे। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त हुई। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें।